जय मां शंभु महादेव सना भगवतु। ये दूसरा चित्रपट है हमारा इस बात को जानने के लिए कि पिछले जीवन में, गत जीवन में प्रतिगमन क्यों जरूरी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों जरूरी है। इसमें बहुत खास बातें आपको समझाई जाएगी, तो सबसे पहले लिखने की चिंता मत करें, ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि आप लिखने के चक्कर में कुछ सुनना चूक जाएंगे तो तकलीफ में आएंगे। या डाउनलोड कर दीजिए इस वीडियो को। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हम सबको अभी तो ये इतना तो पता है कि पिछले जीवन की यादें, मेमोरी जिसको कहते हैं, और भावनाएं, इमोशंस, और हमारे संस्कार, संस्कार मतलब अच्छे संस्कार नहीं, वो ही आदतें जो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चलते ही रहती है, उसको तोड़ने का एक मात्र या एक सर्वोत्तम उपाय है। अगर हम अपनी भावनाओं को मुक्त कर पाए तो हम हमारे शरीर को, मन को, चेतना को हर प्रकार से साझा कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इस जीवन में होने वाली घटनाओं पे अपना काबू पा सकते हैं और उसे भी ठीक कर सकते हैं। जीवन में हर परिस्थिति जो है ये विचार से हम अपने उत्पन्न करते हैं, विचार से शब्द उत्पन्न होते हैं और क्रियाएं उत्पन्न होती है, हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं, और यही शब्द और कर्म फिर से हमारे अगले विचारों को जन्म देते हैं, और ये चक्रव्यूह चलते ही रहता है जिसमें हम फंसते जाते हैं और बाहर निकलने का कोई संभावना, कोई योग नहीं दिखता। विचार शब्द में परिवर्तित होते हैं, शब्द कर्म में परिवर्तित होते हैं, उससे जो अनुभव बनता है वो फिर विचारों में परिवर्तित होता है। विचार और हमारी स्मरण शक्ति, हमारी यादें, ये हमारे मन और चेतना के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गहराइयों में आप कह सकते हो, अपनी दृढ़ता के प्रमाण से अपने समय, कितना समय वो टिके है आपके जीवन में, उसके हिसाब से अलग अलग चेतना के स्तरों पे जो है अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और हर स्थिति हमारे जीवन में विचारों की वजह से ही होती है। अलग अलग जीवन में जो जो अनुभव हमने किए हैं, जो जो विचार आए उसके हिसाब से, वो हमारे चेतना और मन के अलग अलग स्तर पे स्थापित हो जाता है, अपनी प्रभाव, अपनी उत्तेजना के हिसाब से। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, गत जन्म प्रतिगमन एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन यादों को, इन विचारों के बीजों को हमारी चेतना से मिटा देगा हमेशा के लिए, जब हम इसे समर्पित कर देंगे गुरु के चरणों में। केवल समर्पण से ही इसका हम नाश कर सकते हैं, ना कि कोई और ढंग से, के जैसे काफी एक्सपर्ट कहते हैं कि उसको रीस्क्रिप्ट करो, उसके साथ कुछ और करो, उसको ये करो, नहीं, केवल समर्पण से ही उनका नाश होगा और कोई तरीके से नहीं। एक विचार कर लो कि हम
कोई भी क्रिया को अगर विचारों के स्थल पे रोक पाए, हमारे विचार आए तभी हम उस पर ब्रेक मार पाए, तो कितना आसान होगा। लेकिन शब्द के रूप में अगर वो बाहर निकल जाए तो फिर उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, उसको घुमा देना फिर से वो बहुत मुश्किल होगा, और कर्म में परिवर्तित हो जाए, क्रिया हो जाए, तो उसको तो बदलना, उसको फिराना लगभग लगभग असंभव हो जाएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम हमारे विचारों को साफ कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ। आपके पिता आपको इस संसार में बहुत प्यार करते होंगे, इससे कई गुना ज्यादा प्यार आपकी माता करती होंगी, पर सबसे ज्यादा प्यार आपको ईश्वर करते हैं, और ईश्वर को माँ के रूप में पूजा जाए तो इसकी तो कोई गिनती ही नहीं होगी। तो क्या आप माँ के चरणों की धूल तक पहुँचने का सफर तय करना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आइए जुड़िए हमारे साथ महाश्री विद्या के पाठ्यक्रम में। जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम तत्सत। एक जीवित जीव का एक एक कण, एक एक अणु सुपर कंप्यूटर है, सर्वर है, जिसमें अनंत कोटि जीवनों की यादें छुपी हुई है, बसी हुई है, और ये यादें जो है ये हमारी चेतना का सर्जन करने लगती है, चेतना को बनाने लगती है, हमारी चेतना इन संस्कारों से बनती है। चेतना के अलग 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 कई स्तर है, उसमें से 5 मुख्य स्तर है, उसमें से एक पहला स्तर है जागृत अवस्था, जो अनुभव कम समय के लिए हमारी चेतना पर अपना असर दिखाते हैं, जो फैसले हमने किए हैं, जो अनुभव हमने जिए हैं, जो बहुत खास नहीं है, लगभग रोजाना के है फैसले और अनुभव, ये हमारे चेतन में जागृत अवस्था में पड़े हुए होते हैं। जो थोड़े से गहरे अनुभव होते हैं, जिनको हमने टालने की कोशिश की है, जिनको हमने छुपाने की कोशिश की है, जिनको हमने दबाने की कोशिश की है, वो हमारी स्वप्न अवस्था अर्थात अवचेतन में जाके बस जाते हैं, और अचेतन में मतलब निद्रा अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में वो जानकारी पड़ी हुई है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, हमें कोई जानकारी ही नहीं, हमारी कोई याद उसको संभाल के ही नहीं रखी है। ये बहुत ही गहरे अनुभव जो हमारे है वो सुषुप्ति अवस्था में जाके बसे हुए होते हैं। तुरिया अवस्था, जिसे अंग्रेजी में सुपर कॉन्शियस स्टेट कहते हैं या समाधि की अवस्था कहते हैं, जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, इस अवस्था की में पहुंच सकता है, इस अवस्था में इस अवस्था का स्वाद ले सकता है, उसे सिद्धियां प्राप्त होती है और वो पूर्ण आनंद और सत्य आनंद का अनुभव कर सकता है। और एक व्यक्ति अपना पिछला जीवन सच में तभी देख पाता है जब वो तुरिया अवस्था समाधि की अवस्था में होता है। तब अगर समाधि की अवस्था में नहीं है तो वो अपना पिछला जीवन देख नहीं रहा है, उसके मन के जो विचार है वही चित्र के रूप में उसके सामने आ रहे हैं, वो अपने मन के विचारों को बस वही देख रहा है और कुछ नहीं देख पा रहा है। काफी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो
एक्सपर्ट्स है, खासकर जो विदेशी ढंग से सीखते हैं, वो कहते हैं कि सम्मोहन की हिप्नोसिस की अवस्था है अपना पिछला जीवन गत जीवन देखना, ये गलत कहते हैं। सम्मोहन की अवस्था समाधि की अवस्था है ही नहीं, सम्मोहन की अवस्था जो है वो जागृत अवस्था भी नहीं है, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था है। स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था बहुत ही छिछोरी अवस्था है, बहुत ही ऊपर की अवस्था है, जो हमको पिछला जीवन दिखाने में सक्षम नहीं है, इसको समझना होगा। ये अवस्था बहुत ही गहरी अवस्था है, पिछले जीवन को देखने की अवस्था। आपका मन जो है इसमें शायद ही कोई ऐसा अनुभव होगा जो इस अवस्था में, तुरिया अवस्था में, चौथी अवस्था में जाके बैठ पाए। और ये यादें जो तुरिया में बैठ गई है, जो तुमको समाधि प्राप्त करने से भी रोक सकती है, ये अवस्था जो तुरिया अवस्था में बैठ गई है, वो कुछ बहुत ही बुरा, बहुत ही क्रूर अगर आपसे हुआ है दूसरों के प्रति, या दूसरों से आपके प्रति हुआ है, या आपने देख लिया किसी को होते हुए, या आप कह सकते हो कि दुर्भिक्ष मतलब मां प्रकृति का क्रोध, या गुरु का क्रोध, या ईश्वर का क्रोध अगर आपने देख लिया है, तो ये समाधि की तुरिया अवस्था में, चौथी अवस्था में जाके ये विचार बैठ सकता है जो आपको समाधि ध्यान प्राप्त करने से रोक सकता है। कुछ एकदम ऐसा खतरनाक हुआ है, इतना बुरा हुआ है, या कोई ऐसी आदत, या ऐसा कोई अनुभव, या ऐसा कोई, ऐसी कोई लत, ऐसा कोई नशा जो आपके भीतर चेतना में बैठ गया है, ध्यान की अवस्था में बैठ गया है, कोई ऐसा नशा जिसका उपयोग आपने किया है समाधि में उतरने के लिए, वो भी इस चेतना में जाके रुक जाएगा और आपको समाधि प्राप्त करने से रोकेगा। इस चेतना में अगर कोई चीज जाके बैठ गई तुरिया अवस्था में, चौथी अवस्था में चेतना की, तो ये कई जीवनों तक आपको जो है दारिद्रता का, बुरे नसीब का अनुभव करवा सकती है, आपके बुरे रिश्तों का ये मूल कारण बन सकती है, कर्जे में हमेशा आपको रख सकती है, नशे में, आदतों में रख सकती है, और साथ ही साथ में आपको हमेशा शोक में, डिप्रेशन में, या आपघात के विचार देती हुई, सुसाइडल थॉट्स देती हुई भी परिस्थितियां आपके आसपास निर्माण कर सकती है, और एक नहीं हर जीवन में। इस अवस्था को, इस विचार को, इस याद को मिटाने के लिए एक बहुत ही ब्रॉड एक्सपीरियंस्ड जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का गुरु चाहिए, जो आप बनने के मार्ग पे हो, और कहीं सेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के भी इसके लिए चाहिए। अब तुरिया पर महाचेतन की स्थिति। जय गुरुदेव, जय मां। क्या आपको पता है आप किसी भी इंसान का मन पढ़ सकते हो, उनके शारीरिक और मानसिक दुखों का निवारण कर सकते हो? जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रिय गुरुदेव डॉक्टर श्री हितेश गुरुजी ने इसका आविष्कार किया है। किसी भी इंसान की आभा
आप बिना किसी यंत्र के बहुत ही आसानी से देख सकते हो। अगर आपको यह सब कुछ सीखना है तो हमारे आने वाले पाठ्यक्रम आभास सर में आप शामिल हो जाएंगे। और आपको पता है, इस पाठ्यक्रम में आपको बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत मंत्रों की दीक्षा प्राप्त होगी। तो फिर देर किस बात की, नीचे दिए गए भ्रमणध्वनि क्रमांक पर आप कॉल करके अपना जल्दी से जल्दी नामांकन करवा दीजिए। हरिओम तत्सत आदेश। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तुरिया पर ये पांचवी मूल स्थिति, खास स्थिति चेतना की क्या है, उसके बाद में हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम जानेंगे ही नहीं तो इसके बारे में चर्चा करके या इसको ठीक करने के इलाज दिखा के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उसकी गहराई से नस पकड़ नहीं पाएंगे, गहराई से उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। जो तुरिया पर अवस्था है वो मोक्ष की अवस्था है, वो मेरी चेतना या तुम्हारी चेतना द्वैत की अवस्था नहीं है, वो ऐसी अवस्था है जहां सब कुछ अद्वैत एक हो जाता है, जहां आपको पता चलता है कि मैं और बाकी सब जीव निर्जीव सब पर ब्रह्म है। ये तुरिया पर की स्थिति है, चेतना की पांचवी मूल स्थिति, मोक्ष की स्थिति, आत्म साक्षात्कार की स्थिति। लगभग लगभग असंभव है कि कोई बुरा या अच्छा विचार याद इस स्थिति में, इस चेतना में आके बस जाए। कुछ जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला हो, बहुत ज्यादा में ज्यादा क्रूर हो, केवल और केवल वही इस चेतना के स्तर में आके अपना स्थान ग्रहण कर सकता है, वरना नहीं। और अगर इस चेतना में, इस क्रूर परिस्थिति ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, तो लगभग लगभग असंभव है वहां तक पहुंचना, उसको देखना, उसको समर्पित करना गुरु के चरणों में, या उसके साथ कुछ भी करना। जो बहुत ही क्रूर है, जो बहुत ही भयंकर है, जो तुमको अपने मोक्ष प्राप्ति से रोक सकता है, केवल समाधि प्राप्ति, ध्यान प्राप्ति नहीं, जो केवल आपको एक आनंद का अनुभव देगी नहीं, जो परमानंद का अनुभव दे, मोक्ष, उससे जो आपको रोक सकता है, जैसे किसी का बलात्कार हुआ हो, या बहुत सारे लोगों ने मिलकर बलात्कार किया हो, बहुत सारे लोगों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति को मार डाला हो, किसी बच्चे का परिवार में किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हुई हो, और उससे भी गहरा अगर किसी का विश्वास अपने गुरु पे टूट गया हो, भक्ति अपने गुरु से टूट गई हो, या उससे भी गहरा अगर किसी का मोक्ष छूट गया हो, तो एक ये ऐसा बुरा अनुभव आपकी चेतना पर लेकर आएगा कि उसको वहां से उखाड़ कर गुरु के चरणों में समर्पित करना लगभग लगभग असंभव के बराबर है। कहीं अच्छे अनुभव भी इस चेतना के तुरिया पर स्तर में जाकर बैठ जाते हैं, जैसे कि बहुत गहरा प्यार हो, लैला मजनू का प्यार था, मजनू को मारो तो लैला का हाथ छिल जाता था, निशान आ जाते थे, रोने लगती थी। हीर रांझा का प्रेम, बाजीराव मस्तानी का प्रेम, एक साथ में प्राण छोड़ दिए थे। ये ऐसे अनुभव भी चेतना में जाके, तुरिया पर में जाके बस जा सकते हैं। इतना प्रेम अगर हो, इतनी भक्ति हो, इतना किसी के प्रति आदर हो, सम्मान हो, ऐसा विश्वास हो, तो
पर मेरा विश्वास करे कि इस प्रकार का भी लगाव मोह आपको मोक्ष प्राप्त नहीं करने देगा, मोक्ष से रोक लेगा, मोक्ष में जाने से अटका देगा। भगवान रामकृष्ण परमहंस को ऐसा ही मोह था मां काली के प्रति। वो इतना प्रेम करते मां काली को, उनको मिलने तोतापुरी महाराज आए तो उन्होंने तोता महाराज को कहा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराओ। तोतापुरी ने कहा ठीक है, ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठते बाहर आते, क्या हुआ? अरे मां काली थी, बहुत आनंद आया, मां से मिला। तोतापुरी ने कहा मां को निकालना होगा। बोला कैसे निकालो? बोला जब मां आएगी मां का गला काट देना। वो रोने लगे, कहा नहीं ये तो करना ही होगा, मां से तुम्हारा जो लगाव है, जो तुम्हारा मोह है, वो जब तक छूटेगा नहीं तब तक मोक्ष नहीं होने वाला है तुमको। तो घबरा गए, बोला एक मिनट रुको। बोला कहाँ जा रहे हो? बोला माँ के पास। गए माँ के पास, तोतापुरी पीछे पीछे गए, देखा क्या हो रहा है, रोने लगे माँ के पास। माँ मुझे अनुमति दे दे तेरी गर्दन काटने के लिए। तोतापुरी कह रहा है उसके बगैर मोक्ष नहीं होगा, उनको बुरा लगेगा, वो बाहर रुके हैं, जल्दी दे दे। माँ ने दे दी परमिशन, बाहर आके खुश हुए, बोले माँ ने परवानगी दे दी। फिर ध्यान में बैठे, फिर बाहर आए, बोले क्या हुआ? बोले माँ थी, मजा आया, माँ के साथ आनंद आया। माँ थी फिर से, माँ कहाँ से आई? गला काटने को मैंने कहा था। बोले कहाँ से काटता, मैंने तो ढूंढा सब जगह, तलवार तो मिली ही नहीं, तलवार कहां से लाओ? कहा जहां से मां को लाते हो वहीं से तलवार को लाओ। फिर से ध्यान में बैठे, समाधि में बैठे, मां आई, मां के ही हाथ से तलवार लेके मां का गला काट दिया। मां काली से छिन्नमस्तिका बन गई, छिन्नमस्तिका मोक्ष देती है। कुछ दिन लग गए, कुछ दिनों के बाद जब वो समाधि से बाहर निकले, माँ भी प्रतीक्षा कर रही थी, सेवा किसी की ले नहीं रही थी, क्योंकि भगवान रामकृष्ण परमहंस तो समाधि में। और जैसे ही समाधि से बाहर आए, कहा उनके चेहरे को देख के पता चल गया उनके गुरु को कि मोक्ष का आशीर्वाद इनको प्राप्त हो गया है। शून्य अवस्था में वो पहुंच गए और वहां से निकले, और फिर उन्होंने माँ को प्रेम किया और फिर माँ के प्रेम में पड़े और फिर से माँ को उन्होंने अपने जीवन में हमेशा रखा। लेकिन उस समय उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ का मोह भी त्यागना जरूरी था। अभी ये समझ लो, ये उनकी तुरिया पर अवस्था में, पांचवी अवस्था में माँ जाके वास कर रही थी, तो मोक्ष को भी आड़े अटका रही थी अंदर आने से। और एक मुक्त गुरु, एक गुरु जो सच में मुक्त है और मुक्ति से आगे पहुंच गया है, केवल और केवल वही आपको इस अवस्था का अनुभव करा सकता है। इस अवस्था तक पहुंचाना भी असंभव है, अवस्था तक पहुंचाना और उसका अनुभव कराना ये कोई ऐसा ही गुरु करवा सकता है। तो ऐसे गुरु के पास जब जाओ तो पहले कम से कम 3 सेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, पिछले जीवन प्रतिगमन के, दूसरे कोई आचार्य के पास करवा के ही जाना चाहिए ऐसी परिस्थिति के लिए। इसको ध्यानपूर्वक समझे। और जब पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ना, तब लिखने की मत जल्दी करो, लिखने में बहुत सी चीजें समझने में छूट जाएगी। वापस से वीडियो देख के फिर नोट्स बनाना। कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न समूह पर उपलब्ध है। अगला हम सीखेंगे कि लाभ क्या है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के। और आप अगर ये वीडियो ऐसे ही देख रहे हो ना,
तो जल्दी से इस पाठ्यक्रम में अपना नाम लिखवा लो। अपने आचार्य से या किसी से जो नंबर दिए गए है उसमें पूछो कि कब होने वाला है ये शुरू। और इस वीडियो को सभी लोग सबके साथ साझा करो, इसे लाइक करो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, हाँ, और कमेंट भी करो। हरिओम तत्सत।